आईसीएफ की वंदे भारत को टक्कर देने के लिए अब एक भारतीय कंपनी मैदान में उतर चुकी है। आईसीएफ को मेट्रो रेक्स, सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स और ईएमयू मैन्युफैक्चर करने के लिए जाना जाता है। इसी तरह भारत की नई फैक्ट्री भी मेट्रो रेल कोचेस और मेनलाइन हाई स्पीड ट्रेन्स मैन्युफैक्चर करने का ऐलान कर चुकी है। आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में MII लिख दीजिएगा अगर मेक इन इंडिया की मुहिम को आप भी सपोर्ट करते हैं। कोलकाता बेस्ड जुपिटर वैगन्स लिमिटेड 300 करोड़ रुपए का निवेश करके रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने जा रही है और टेक्नोलॉजी के लिए इस भारतीय कंपनी ने स्पेनिश कंपनी CAF के साथ जॉइंट वेंचर स्थापित कर लिया है। ये JV 50-50% की साझेदारी में होगा और इसके लिए दोनों ही मैन्युफैक्चरर्स बराबर इन्वेस्ट करेंगे। हालांकि ये फैक्ट्री कौन से राज्य में लगाई जाएगी ये डिसाइड होना भी बाकी है। रिपोर्ट्स की माने तो भारत में बनी मेट्रो और हाई स्पीड ट्रेन्स में 80% से ज्यादा लोकलाइजेशन रखने के लिए मेजॉरिटी कंपोनेंट्स या तो इनहाउस मैन्युफैक्चर किए जाएंगे या फिर भारतीय वेंडर्स को इन्हें मैन्युफैक्चर करने की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दी जाएगी। आपको बता दें कि जुपिटर वैगन्स लिमिटेड यानी कि JWL भारतीय रेलवे के लिए फ्रीट वैगन्स मैन्युफैक्चर करती है और कुल मिलाकर अभी इस कंपनी के पास 4,500 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स भारतीय रेलवे और प्राइवेट कंपनी से मौजूद हैं। शायद आप जानते हो कि कुछ ही दिनों में 30,000 से 40,000 फ्रेट वैगन का टेंडर भारतीय रेलवे निकालने वाली है और JWL भी इसमें एक कॉम्पिटिटर की तरह उतरेगी। JWL और CAF का हाई स्पीड रेल मैन्युफैक्चरिंग में उतरने का सबसे बड़ा कारण ये है कि आगे चल के इस सेगमेंट में भारतीय रेलवे काफी अग्रेसिवली अपना नेटवर्क बढ़ाने वाली है। इसके अलावा मेट्रो का विस्तार भी अभी कई नए शहरों में भी किया जाने वाला है। डिमांड को देखते हुए फिलहाल उतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी भारत में मौजूद नहीं है और इसी डिमांड को पूरा करने के लिए इस JV का गठन किया गया है। वैसे जिन लोगों को नहीं पता उन्हें बता दें कि JWL ऑलरेडी EV सेगमेंट में भी पैर जमा चुकी है और जल्द ही इलेक्ट्रिक कमर्शियल ट्रक को लॉन्च करने वाली है। इसके लिए जुपिटर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और ग्रीन पावर मोटर कंपनी ने जॉइंट वेंचर स्थापित कर लिया है और अगले साल तक 60 टन का मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक ट्रक भारतीय मार्केट में उतारे जाने वाला है। 2018 में स्पेन की CAF ने राजस्थान के अलवर में रेल कोच फैक्ट्री लगाने की बात सरकार के सामने रखी थी, लेकिन आखिर में सारी बातें केवल हवा बनके रह गई। CAF की पूरे विश्व में केवल 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और ये US, मेक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना और पुर्तगाल में स्थित है। अगर इस बार ये JV भारत में कोच फैक्ट्री लगा पाने में कामयाब हो जाती है तो CAF को भारत में एंट्री मिल जाएगी। वैसे ये अच्छी बात है कि भारत में इससे निवेश बढ़ेगा, लेकिन साथ ही BEML, ICF और टीटागढ़ जैसी भारतीय रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरर्स के लिए कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। इन तीनों के अलावा मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली भी एल्यूमिनियम कोच मैन्युफैक्चरिंग में कूद चुकी है और जल्द ही पहला कोच इस फैक्ट्री से भी रोल आउट किया जाएगा। CAF और जुपिटर की ये JV फैक्ट्री कब शुरू होगी ये कह पाना भी थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इससे रिलेटेड किसी भी न्यूज की जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।